फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं आपके सामने आई हूँ। तो देखिए, हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो अब जब इतना पीक टाइम आया है, जब एग्जाम के आप नजदीक आने वाले हो, जो टाइम आपके लिए प्रैक्टिस का है और जिसमें आप बहुत ज्यादा मेहनत करके और अपना सिलेक्शन ले सकते हो, वहां कुछ बच्चों का जो पैर है वो डगमगा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर नहीं आया। क्या फर्क पड़ता है नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, ज्यादा से 15 दिन या 1 मंथ, इतना ही लेट होगा, आप खुद ही जान लीजिए। मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाया है, जो लेटेस्ट वीडियो जो बनाया है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी के ऊपर है, ठीक है। तो वहां भी वैकेंसीज जो है वो निकल गई है। कोरोना की वजह से जो भी सिस्टम है एजुकेशन में वो थोड़ा सा डगमगाया है, इस वजह से सरकार जो है वो थोड़ा सा लेट हो रही है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चीज मैटर नहीं करती है, ठीक है। आपके लिए तो और ज्यादा फायदा है कि आपको टाइम और मिल रहा है, और इस टाइम को, इतना सारा टाइम मिलना यही काफी है। क्या आपको इससे पहले इतना टाइम मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। तो आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि आप लोग जो इतना अब थोड़ा सा पढ़ाई में कमी कर रहे हैं, बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पढ़ाई को कम कर दिया तो सोचिए, आप जैसे गाड़ी है वो 90% तक तो आपके आगे आ चुकी है, लेकिन जब 10% आने की बारी हुई तो आप वहां हिल गए। तो हिलना नहीं है बिल्कुल, आपको फुल डेडिकेशन के साथ अब भी पढ़ाई पर रहना है। तो अब ये बात है कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो अब हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? फेस्टिवल आ रहे हैं, हर बार आते हैं फेस्टिवल, नेक्स्ट ईयर भी आएगा, ठीक है। तो इस बार की जो दीपावली है आप मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाइएगा, पूरी फैमिली के साथ मनाइएगा, खुश होकर मनाइएगा। लेकिन फेस्टिवल मनाने के बदले में ये नहीं होता है कि पढ़ाई जो है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। फेस्टिवल आप पूरे 12 घंटे तो नहीं आप उसमें उसकी तैयारी में लगे रहेंगे, कुछ टाइम जो है वो आप पढ़ाई पर भी निकालिएगा। पढ़ाई पर फोकस जो बच्चे जो है वो एंडिंग टाइम तक करते हैं, बिल्कुल एंड टाइम तक, तो सिलेक्शन वही लोग पाते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई की स्टार्टिंग होती है तो भीड़ होती है। आप खुद देखिए, यूट्यूब चैनल पर ही देखिए या किसी कोचिंग पर देखिए, एडमिशन कराने के लिए फुल, एकदम सीट फुल हो जाएगी, सभी लोग आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाता है, वहां पर 50% बच्चे जो है वो रह पाते हैं। यूट्यूब चैनल पर ही देख लीजिए आप, स्टार्टिंग में भीड़ होती है, लेकिन मेहनत जो करता है वो एंड टाइम तक जाता है और सिलेक्शन वही पाता है। तो सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है कि हम अपना धैर्य ना खोए। जिसने धैर्य खो दिया उसका तो नहीं हो पाता है सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को जब सिलेक्शन हो जाएगा तो नेक्स्ट जो दिवाली आएगी वहां आपको कई लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, अब कहाँ पोस्टिंग है, तो आपको इस चीज की बहुत खुशी होगी। इस दिवाली पर आप इतना खुश होकर और फिर खुश होएंगे, आप बहुत अच्छे से मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। गेस्ट आएंगे तब उनसे ये कह पाएंगे कि हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर जो है वो सिलेक्शन हमारा होगा, और जो हम ही टीचर बनेंगे क्योंकि हमने इतनी तैयारी जो की है। तो अब देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग आरबीएससी की बुक जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं जल्दी कराइए। जल्दी तो करा दूंगी, लेकिन क्या आप इस चीज को, इतना सारा मैटर को इतना एक साथ लर्न कर पाएंगे? लर्न कर भी लेते हैं, क्योंकि जो जल्दबाजी में काम करते हैं ना, तो वो चीज जो है वो भूल जाते हैं। आपने स्टोरी सुनी होगी बचपन में कि एक कछुआ और खरगोश वाली, ठीक है। लेकिन कछुआ जो होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, ऐसे ही हम चल रहे हैं, ठीक है। खरगोश की तरह अगर आप दौड़ लगाएंगे तो वहां बीच में बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे, और सोचिए थोड़ी सी ही लापरवाही आपकी आपको बहुत सारे बच्चों से पीछे छोड़ देगी। आपको ऐसा नहीं करना है। कितने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन कितनों का होता है, जो 100% पढ़कर एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। तो 100% पढ़कर ही बैठना है। अब हाल ही में देखिए, मैंने एक लेटेस्ट जो वीडियो डाला है यूपी टीजीटी और पीजीटी का, तो उसको आप भरिए। रीट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको भी भरिए। क्यों? क्योंकि वहां आपको वहां से भी कुछ ना कुछ मिलेगा। कभी भी कोई चीज बेकार नहीं जाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप अगर किसी भी स्टेट से आपने बीएड किया है तो आप यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही फॉर्म भर सकते हो,
ठीक है, अगर आपने बीएड किया है आप टीजीटी का भरिए, अगर आपने बीएड नहीं किया है केवल एमए किया है, एमएससी एमकॉम किया है, आप टीजीटी का भरिए। ये मत देखिए इसमें इतनी सीट है और इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसमें तो इंटरव्यू है। टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू है। ये मत देखिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप तैयारी करिए, आप एग्जाम दीजिए, बाद की हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फुल कॉन्फिडेंस से अपने एग्जाम की तैयारी भी करनी है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए सभी को प्रॉब्लम होती है और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आपसे कि फुल मोटिवेशन के साथ, जिस तरीके से युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप ने बिल्कुल हार नहीं मानी थी, हमने अभी पढ़ा था महाराणा प्रताप जो है वो अंतिम टाइम तक, राव चंद्रसेन अंतिम टाइम तक लड़ते रहे थे लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी तरीके से हार की अधीनता स्वीकार आपको नहीं करनी है, ठीक है। जीतना है, जीतना है और जीत प्राप्त करनी है। कोई भी बच्चा 150 में से 90 मार्क्स लाने की बिल्कुल नहीं सोचेगा, 60% नहीं लाना है आपको, 60% लाओगे केवल पास होगे, ठीक है। 150 में से 100+ मार्क्स जो है उसके लिए तैयारी आप कर रहे हो। धीरे धीरे चलिए, बिल्कुल कछुए की तरह चलिए, कछुआ और खरगोश की जैसे स्टोरी थी, धीरे धीरे चलिए बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला है वापस उस चीज पर नहीं आता है, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छे से क्लियर होता है, तो हमारा बेस जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खरगोश की तरह चलोगे तो बार बार उस चीज पर वापस आओगे कि ये रह गया था मेरा पढ़ने को, ये रह गया था पढ़ना, ठीक। आप अगर ऐसा सोचो कि एक दिन में मैं फटाफट से 3-4 चैप्टर एक साथ कर लूं, ऐसा नहीं होता है। माइंड तो माइंड होता है, उसको भी आराम चाहिए होता है, तो उसको भी आराम दीजिए और जितना पढ़ते हो आराम से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि दोबारा भूल ना सको, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, फेस्टिवल है उनको भी इंजॉय करिए, लेकिन इतने ज्यादा इंजॉय मत करिए कि उसी में रह जाओ। नेक्स्ट ईयर का जो फेस्टिवल, नेक्स्ट ईयर की जो दिवाली आएगी वो आपकी इस दिवाली से भी ज्यादा अच्छी दिवाली होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।